चेक कर लें कि कैसे पहले पुराने जमाने में टोकरियां बनाते थे। ये जो शाखें हैं ना, इन शाखों से ताया जी ने ये टोकरी बनाई है। ये शाखें शहतूत की हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूं। मैं हूं मियां मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बजवाद फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के फजल व करम और उसके शुक्र से आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज हम बनाएंगे ताए साई से तूत के जो शाखें होती हैं उनसे बनवाएंगे हम टोकरी, बिल्कुल देसी तरीके से। तो आप भी देखते जाए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। है काफी मुश्किल काम है, औखा काम है, क्योंकि पवांदे पे हो ना जेडी तुम शमका। ये ताया जी मोटा पै गया। हाथ भी चला होने हाथ वर्ल्ड कर देने के। हूँ ठीक हो गई है नरम है। अंजीर ये माशाल्लाह से ताए ने अंजीर भी लगाई हुई है इधर। हाँ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत।
जी माशाल्लाह से हमारी टोकरी तैयार हो चुकी है। देखें ये ताया जी ने ये कैसी गोल की है, ये देखें कैसी गोल की है, आपके सामने ही गोल की है। बहुत ही ज्यादा मेहनत हुई है। ये चेक कर लें कि कैसे पहले पुराने जमाने में टोकरियां बनाते थे, तो ताया जी को इसके बनाने का तरीका था, लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना वो नहीं बनाती, उनको बनानी नहीं आती। ये देखें ना कैसी गोल है, ये देखें आप इसकी गुलाई चेक करें, पीछे से भी देखें कैसी है। और ये बनाई है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो शाखें हैं ना, इन शाखों से ताया जी ने ये टोकरी बनाई है। ये शाखें शहतूत की हैं, जिसे हम शहतूत या पंजाबी में तूत बोलते हैं। ये तूत की शाखें हैं, ये बहुत ही हार्ड हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरद नवा का ख्याल रखें। सफाई निसम्मान है। मियाँ मोहम्मद इशफाक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।